एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन फेज टू स्टार्ट हो चुका है। फेज टू में सभी बच्चे अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जब तक फेज टू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो 2000 जो इन साल का 2021 में अगर MBBS या मेडिकल करना चाहते हैं तो एडमिशन कार्ड के लिए आपको रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो फेज टू का रजिस्ट्रेशन कर ले। और सबसे बड़ी जो अपडेट आई है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। गाइस वीडियो के साथ बने रहे और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो गाइस सबसे पहले ये बात है कि नीट एग्जामिनेशन का फेज टू का रजिस्ट्रेशन आप जल्द से जल्द कर लीजिए। साथ ही साथ क्या है, फेज टू का रजिस्ट्रेशन में क्लास 11 का जो कॉलम है वो कॉलम 11 में NTA के नोटिफिकेशन के अनुसार से भी 11 का जो आप कॉलम जो है पास का है या फेल का जो भी कॉलम है 11 में वो कॉलम आपको नहीं भरना है, मैंडेटरी है, उसको आपको फिलअप नहीं करना है। सिर्फ 10 और 12 के मार्कशीट को आप को हिसाब से आप पूरा डिटेल भरेंगे। 11 का किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा। आंसर की जो है वो आपको आप 10 तारीख तक, चूंकि फेज टू का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आंसर की 10 तारीख के बाद यह हो सकता है 15 के अंदर तक आपके आंसर की आ जाने की संभावना है। जहां तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट के बारे में आज जैसा कि देखा गया है NTA का जो परंपरा है वो आपको जिस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए पुराना बैक रिकॉर्ड को देख कर, उस अनुसार आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो आपको 22 तारीख तक आपको आ जाएगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।